पढ़ने जा रहे हैं छायावादी काव्य की विशेषताएं, मतलब छायावादी काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं थी, कैसे काव्य की रचना की गई, किन रसों का प्रयोग किया गया, किन की बातें की गई। सबसे पहला है व्यक्ति की प्रधानता, अब व्यक्ति की भावनाओं का आदर किया गया, मतलब इसमें जो व्यक्ति के भावनाएं हैं उनको काव्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। फिर आगे है श्रृंगार रस की भावनाओं का, श्रृंगार को भोग की वस्तु कौतूहल का विषय है, मतलब श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं, जैसे श्रृंगार और रति की जो एक शांत है, प्राकृतिक चित्रण किया गया इसमें, प्राकृतिक चित्रण में प्राकृतिक चित्रण का मानवीकरण किया गया, मतलब प्राकृतिक जो जैसे आपका बसंत है, फूल भावरे, ये सब मानवीय क्रियाओं से जुड़कर उनकी भावनाओं को प्राकृतिक से जोड़कर उदेर किया गया, उस तरह काम रचना की गई। सौंदर्य की अनुभूति, आंतरिक तथा सौंदर्य की अधिक प्रधानता थी, वेदना तथा करुणा की अधिकता इस समय, मतलब प्रेम और चूंकि श्रृंगार रस किससे संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, कभी प्रेसी को, मतलब अज्ञात सत्ता कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई देवता है या नहीं, अज्ञात सत्ता कोई पता ही नहीं है, लेकिन इसको क्या माना गया, प्रकृति को ही सब माना गया सत्ता, जो करता धरता पूरा प्रकृति का वर्णन करता है। ये प्रेसी किसको माना उन्होंने, प्रकृति को ही माना। तो इस प्रकार की रचनाएं इसमें छायावादी में की गई, इस तरह में देखने के लिए